हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर सिक्स है, एक्सरसाइज 26। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये छोटा सा एक्सरसाइज है। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 26, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर लोवेस्ट टर्म्स। कहने का मतलब है कि ये कट के जैसे छोटा होता है, वो उससे और ज़्यादा छोटा नहीं होने वाला है, तो उस तरह का टर्म में कौन है, मतलब और छोटा और रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो है छोटा हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेवन का टेबल में ये दोनों कटेगा, सेवन टू जा 14 और सेवन थ्री जा 21, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, इसको सिर्फ हम नो लिख देते हैं, ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 30, ये 2 से दोनों ही कट रहा है, एक बार भी कटना नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं कटना चाहिए, वही लोवेस्ट टर्म में होता है। तो ये 2 से कट रहा है दोनों, ये 15 बार में कट जाएगा और ये 21 बार में कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, नो लिख देते हैं। और यहाँ पे 18 और 25, 18 जो है 3 का टेबल 2 का टेबल से दोनों से कट सकता है, लेकिन ये नहीं कट सकता, ये सिर्फ और सिर्फ 5 का टेबल से कटेगा और ये नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि ये लोवेस्ट टर्म में है, तो इसको एस लिख देते हैं, यस हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर प्राइम नंबर रहेगा इसमें, तो फिर वो लोवेस्ट टर्म में रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो है कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एस लिख देते हैं, ये लोवेस्ट टर्म में है। और यहाँ पे देख रहे हैं 29, तो 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये और छोटा होने वाला नहीं है, रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये लोवेस्ट टर्म में है, तो इसको एस लिख देते हैं, ये हो गया कम्प्लीट। अब यहाँ पे इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है, रिड्यूस मतलब छोटा करना है, और द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म, इसको भी लोवेस्ट टर्म में बनाना है। तो इसको यहीं पे काट के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 18 का टेबल पढ़ते हैं, तो 18 टू जा 36 आता है, 18 दूना 36, तो ये कट गया, यहाँ पे काट लेते हैं, दो बार में कट गया, तो ऊपर 1 रह जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ये हो गया। उसके बाद 9 का टेबल में 27 आता है, 9 3 जा 27, तो ये कट गया, यहाँ पे 3 बार में कट गया, तो ऊपर में 1 रह गया, इसका मतलब है कि 1/3, ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 20 32, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 का टेबल में दोनों आता है, बड़ा से बड़ा टेबल जितना बड़ा टेबल में आप काट सकते हैं वो बेहतर रहेगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा बार आपको काटना नहीं पड़ेगा, तो इसको काट लेते हैं, 4 5 जा 20 कट गया, और 4 का टेबल से 32, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया है, इसीलिए और कटने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 5/8, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको 4 का टेबल से काटते हैं, 4 का टेबल में दोनों आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, और दोनों ही प्राइम नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 3/7, ये हो गया। उसके बाद ई नंबर में ये किससे कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 2/3, हो गया। और ये 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो 5 7 जा 35 कट गया, ऊपर में 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/7। और यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो कौन से टेबल से, बड़ा से बड़ा टेबल से ये कटेगा दोनों, तो दोनों 6 के टेबल से कट सकता है, 6 2 जा 6 3 जा 18 हो गया और 6 5 जा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, ये हो गया। उसके बाद ये 6 से 3 से ये कटेगा, 3 का टेबल से काटते हैं, 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये हो गया। तो 11 जो है एक प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, 2/11, ये इसका आंसर हो गया। ये छोटा एक्सरसाइज था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।